वहीं उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी। आखिरी दिन 78 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 49 प्रत्याशी। मीरापुर सीट पर सबसे ज्यादा 34 लोगों ने नामांकन किया। अलीगढ़ की खैर सीट पर सबसे कम 6 पर्चे भरे गए। मुरादाबाद के कुंदर की सीट पर 19 प्रत्याशियों का नामांकन। गाजियाबाद सीट पर भी 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर 10 प्रत्याशी मैदान में, तो वहीं कानपुर की सीतामऊ सीट पर 11 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। तो प्रयागराज के फूलपुर सीट पर 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर 14 प्रत्याशी, तो मिर्जापुर की मझवा सीट पर 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तो आखिरी दिन 78 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। मीरापुर सीट पर सबसे ज्यादा 34 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है और अलीगढ़ की खैर सीट पर सबसे कम 6 पर्चे भरे गए हैं। तो उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी। तो आखिरी दिन 78 प्रत्याशियों ने नामांकन जो है वो दाखिल किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया सीधे जुड़ गए हैं। घनश्याम, उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और यदि आखिरी दिन की बात करें, आखिरी दिन 78 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, क्या कुछ और इस पर अपडेट? बिल्कुल, अगर देखा जाए कविता तो यहाँ पे 9 सीटों पे उपचुनाव होना है, हालांकि 10 सीटें रिक्त है। एक सीट मुकदमेबाजी के चक्कर में वहाँ पे चुनाव नहीं हो पा रहा है अयोध्या की सीट। बाकी 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी घोषणा भी हो गई है। नामांकन की कल आखिरी तारीख थी और कल आखिरी दिन 78 लोगों ने नामांकन किया इन 9 सीटों पे। पूरे 149 लोगों ने इन 9 सीटों के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। और अगर देखा जाए तो अब आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, आज उसकी स्क्रूटनी होनी है, पत्रों की जांच होगी, उसके बाद जिन लोगों का जांच में ठीक पाया जाता है उनको प्रत्याशी अधिक बना दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कुछ लोग क्या ऐसा भी है कि वो पर्चा वापस लेते हैं नहीं लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ये व्यवस्था देती है कि अगर आपने नामांकन किया है तो 2 दिन तक आप जो है अपना पर्चा वापस ले सकते हैं। हालांकि उसके बाद ये प्रावधान नहीं है, उसके बाद अगर चाहेंगे जो वक्त मुकर्रर होता है उस वक्त के बाद अगर आप चाहेंगे तो नहीं ले सकते। तो अभी ऐसे तमाम उपचुनाव में हम लोगों ने ऐसी तस्वीरें देखी है कि लोग चुनाव में उठते हैं, उसके बाद देखते हैं समीकरण वहां पे क्या कुछ बन रहा है, तो ऐसे में कुछ प्रत्याशी हैं जो किसी और को समर्थन दे देते हैं या फिर वो बैक ले लेते हैं यानी पर्चा वापस ले लेते हैं। तो अब पत्रों की जांच होगी, पत्रों की जांच के बाद लोगों को वक्त दिया जाएगा कि आप पर्चा वापस ले सकते हैं। लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या चाहे आप कहें बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी भी इस उपचुनाव में प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी कभी उपचुनाव में शिरकत नहीं की है, वो मैदान में नहीं उतरी है जब वो सरकार में रही है, उसके अलावा वो उपचुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन ये पहला ऐसा उपचुनाव होगा इस पिछले 1.5 दशक में जब खुद बहुजन समाज पार्टी भी उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। तो ऐसे में यहाँ कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणी भी बताई जा रही है, लेकिन अधिकतम सीटों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है। अब बहुजन समाज पार्टी के वोट ये तय करेंगे कि जो जीत का आंकड़ा है वो किधर जाएगा, जीत का फासला है वो किधर बढ़ेगा और किधर कटेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो दिवाली के बाद ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में इन 9 सीटों पर रैलियां लगने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान अपने खुद के कंधों पर लिए हुए हैं। इन 9 सीटों पर जहाँ पे चुनाव हो रहा है, 9-10 सीटों पर उन्होंने पिछले 3 महीने की अगर बात करें जब से लोकसभा चुनाव का खत्म हुआ है वो लगातार दौरे किए, वहाँ पे रोजगार मेला, वहाँ पे सम्मेलन, वहाँ पे कई कार्यक्रमों में शिरकत लिए, विकास कार्यों में शिरकत किए, वहाँ पे स्कूल कॉलेज से लेकर के वहाँ पे जनता के कई तमाम मुद्दों को लेकर के कार्यक्रम में लगाए और लगातार वहाँ पे दौरे करके लोगों को संबोधित कर रहे हैं और वहाँ पे ये प्रयोग लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी है तो वहां पे विकास की नाव बड़ी तेजी से तैरेगी। अब उसके इतर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी
पार्टी जो काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में लोकसभा चुनाव लड़ी और दिखाई दी, तो अब समाजवादी पार्टी के सामने भी ऐसा वक्त है कि वो लोकसभा चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उत्तर प्रदेश के जरिए उभरी है, तो ऐसे में उसका एक प्रयास है कि इस विधानसभा चुनाव में भी उपचुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें ला करके ये साबित करे कि चाहे वो केंद्र की चुनाव हो चाहे वो राज्य की चुनाव हो, समाजवादी पार्टी अब जनता के बीच में फिर से पैठ बनाने में सफल हो रही है। और इसी काकस को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ इस काकस को तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने पर अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भले ही जनता जो है समाजवादी पार्टी की तरफ भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा रुख किया था, लेकिन जब बात विधानसभा की होगी तो बात योगी आदित्यनाथ की होगी, जब योगी आदित्यनाथ की होगी तो यहां पे समीकरण बदलेंगे। इस तरीके की मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और इसको इस बाबत लगातार दोनों दल लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार प्रत्याशियों के चयन को लेकर के रस्साकसी की गई। यहाँ पे निषाद पार्टी जैसे सरीखे जो पार्टियां हैं इनके सहयोगी दल वो उन दो सीटें तो ऐसी रहे हैं कि निषाद पार्टी के जिनके विधायक सांसद बन चुके खाली हुआ, लेकिन निषाद पार्टी के प्रत्याशी वहां पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां पे कमल के फूल के जो है चुनाव चिन्ह पे वहां पे चुनाव लड़ा जाएगा। जाहिर बात है कि अभी तक निषाद पार्टी भी लगातार ये मांग कर रही थी कि हमारी जो दो सीटें हैं उन दो सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। कसमकस के बाद ये साफ हो गया, रणनीति बनाई गई कि यहां पे निषाद पार्टी का लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और कल उन्होंने 27 का खैवनहार करके पूरे राजधानी लखनऊ में होर्डिंग पोस्टर निषाद पार्टी ने लड़वा दिया। उन्होंने कहा कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है, ऐसे में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो छोटे छोटे मुद्दे पे छोटे छोटे बातों पे लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए। जो ये 9 सीटें जो एक 2027 के पहले सेमीफाइनल के तौर पे सभी लोगों का जनता का भी नजर और राजनीतिक दलों का भी नजर लगा हुआ है, उसमें अधिकतम सीटें पा करके अपनी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों देगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक बार परिणाम दे दिया है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें ला करके, वो भी लोकसभा चुनाव के दरमियान जहां जब वो केंद्र के मुद्दों को केंद्र बिंदु बना करके चुनाव होता है, ऐसे में उस केंद्र बिंदु पे सफल होता हुआ दिखाई दिया पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी। तो ऐसे में विधानसभा के मुद्दों पे, राज्य के मुद्दों पे, योगी आदित्यनाथ के मुद्दों पे और सबसे बड़ा दल बनकर के उभरी है जो समाजवादी पार्टी हो, अपने मुद्दों पे जातिगत जनगणना, तमाम आरक्षण, तमाम संविधान बचाओ, तमाम मुद्दे रहे हैं कविता जिसको लेकर के वो लोगों के बीच में गए, जिसका सफलता भी मिली। अब इन सब सारे मुद्दों में अब जो जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी वही 2027 के लिए ज्यादा और तेजी से दावेदारी करते हुए दिखाई देगा। यही कारण है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, दोनों लोगों ने अपना जी जान लगा दिया है, एकदम दमखम लगा दिया है, कील कांटे दुरुस्त करने में पूरी तरीके से लगे हैं, लगातार बैठकें की जा रही है, एक एक सीटों पे पांच पांच छह छह लोगों को प्रभार दिया गया है, अलग अलग एंगल से रात्रि प्रवास करने की बात कही जा रही है, अब ताबड़तोड़ रैलियां भी देखने के लिए मिलेगी और प्रत्याशी इतने ज्यादा है, 149 लगभग 150 प्रत्याशी सिर्फ 9 सीटों पर है। और इससे साफ पता चलता है कि लड़ाई इतना आसान नहीं है, जीत इतना आसान नहीं है, अब जनता के बीच में पैठ बताना। जी घनश्याम, यदि बात करें सबसे ज्यादा जिस सीट पर नामांकन भरे गए हैं उस सीट का नाम है मीरापुर, 34 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। और सबसे कम सीट की बात करें अलीगढ़ की, खैर सीट है, सबसे कम लोगों ने वहां नामांकन किया है, 6 पर्चे भरे गए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा मीरापुर की सीट है, मीरापुर की सीट पे नजर सभी लोगों की है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा भी वोट अगर कटेगा, मीरापुर सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं थी, मीरापुर सीट निषाद पार्टी के खाते में थी, निषाद पार्टी अब तो चुनाव लड़ेगी नहीं, निषाद पार्टी ने समर्थन देने की घोषणा कर दिया और सरकार में वो शामिल भी है, तो ऐसे में वहां पर भारतीय जनता पार्टी और वहां पे अगर बात करें समाजवादी पार्टी के अलावा बसपा भी बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई देगी, तो वहां पे लड़ाई भी त्रिकोणीय होगी। अब 34 लोगों के बीच में अब कितने लोगों का नामांकन वहां पे प्रपत्र से साफ मिलते हैं, ठीक मिलते हैं, उन लोगों को फिर से चुनाव आयोग ये तय करेगा, उनके पत्रों की जांच करेगी, जांच करने के बाद जो है साफ होगा कि 34 के 3400 लोग चुनाव मैदान में रहेंगे या कुछ लोग नामांकन वापस लेंगे। लेकिन यहाँ पे लड़ाई काफी त्रिकोणीय भी है और त्रिकोणीय में 34 लोग शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें अलीगढ़ में खैर की सीट, खैर की भी सीट पे भी लोगों की नजर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में वहां पे गए थे, वहां पर भी लगातार दौरे कर रहे हैं,
छह लोग हैं वहां पे, और वहां पे तो और भी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी जब कम प्रत्याशी रहेंगे तो वोटर जिधर भी शिफ्ट करेंगे वहां पे एक एक वोट की बहुत महत्वपूर्ण जो है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी वहां पे। तो ऐसे में चाहे वो खैर हो चाहे वो मीरापुर की सीट हो, पूरी पूरा अगर देखा जाए मुरादाबाद की कुंदर की सीट हो जो मुस्लिम बाहुल्य सीट होता है वहां पर भी बात हो, एक सीट पे तो अगर देखा एक 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 सीट पे वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल को दिया है वहां पे, और वहां से उन्होंने भी मीरापुर के उस सीट से भी उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, तो वो अपने जो है अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। तो अगर 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एक सीट उनके सहयोगी दल के नाम पे वहां पे चुनाव लड़ा जाएगा तो वो यही सीट है मीरापुर जहाँ पे वहाँ लोकदल माफ करिएगा राष्ट्रीय लोकदल वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। तो राष्ट्रीय लोकदल भी वहाँ पे काफी ज्यादा मजबूत है और उन्हीं के पहले भी विधायक थे और वो अब सांसद बन करके जा चुके हैं, तो ऐसे में वो भी सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही खाते में अगर कह सकते हैं एनडीए के खाते में आने के संपूर्ण चांसेस है। लेकिन अब जिस तरीके से बदलाव पिछले लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिला वो समाजवादी पार्टी भी कहीं कमतर बिल्कुल भी नहीं है और उसको भारतीय जनता पार्टी का खेमा यानी एनडीए खेमा कमतर आंक भी नहीं रहा है। यही कारण है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस चुनाव का कमान अपने कंधों पर रख करके वो खुद लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं और जीत का मंत्र दे रहे हैं और लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। जी कविता बिल्कुल घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।